तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में सबसे पहले आप ये ड्रॉ करें M1, M1 की वेलोसिटी है U1, नेक्स्ट इज़ M2 और वेलोसिटी है U2, U2 इनिशियल वेलोसिटी U2, इनकी कोलिजन हो जाती है M1 एंड M2, M1 की वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाती है V1, M2 की वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाती है V2, तो U1, U2, V1, V2। ठीक है, इसे ड्रॉ करें। तो M1, U1, M2, U2 के साथ और V1 एंड V2। रूल नंबर वन, जब भी इलास्टिक कोलिजन होगी इसमें हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ऐसे ही है। तो आपको ये टॉपिक ऐसा भी पूछा जा सकता है, आप यहाँ लिख लें एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज V1 एंड V2। तो एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी V1 एंड V2 इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो ये आ सकता है, पता होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले वेलोसिटी U1 U2 है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी V1 V2 है। हमें हमारे क्वेश्चन में U1 U2 गिवन होगा, हमें क्या निकालना होगा, V1 एंड V2 निकालना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको इसके एक्सप्रेशन निकालने हैं, पहले थ्योरी बनानी है, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो इसकी हेडिंग लिख लेना, इसकी हेडिंग ये साथ में ये भी लिखना, एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं फॉर वेलोसिटी V1 एंड V2। ठीक, लिख लिया। तो रूल नंबर वन, आपको इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो लगाओ, पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इक्वेशन नंबर वन मींस यहाँ से काम करो, M1 को कॉमन निकाल लो, U1 माइनस V1 हो जाएगा, राइट साइड पे M2 निकाल लो, V2 माइनस U2 हो जाएगा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ M1 को कॉमन निकालें और M2 को भी कॉमन निकालें, तो दिस इज रूल नंबर वन, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन तो एप्लीकेबल है ही है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। सबको मालूम है कि इलास्टिक कोलिजन है तो M1 U1 स्क्वायर हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर। हाफ 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 और हाफ कैंसिल, M1 कॉमन आ गया, M1 कॉमन आ गया, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया, इधर से M2 कॉमन आ गया, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर हो गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। तो पहले इक्वेशन नंबर वन बनाएं, फिर इक्वेशन नंबर टू। तो लिखते जाएं प्लीज, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, एनर्जी कंजर्वेशन से सेकंड इक्वेशन बनेगी। ठीक, अब आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर वन आपके पास है, टू आपके पास है, इन इक्वेशन में इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करें तो M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड M1 U1 माइनस V1 से डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड में M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर लें और राइट साइड पे M2 इंटू V2 माइनस U2 से डिवाइड कर दें। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया।
अभी काम करें, M1 से M1, M2 से M2 कैंसिल, और न्यूमिनेटर क्या बना हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है, ए माइनस बी, तो क्या बचेगा, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें, इक्वेशन नंबर 3, सही है। तो एक नई इक्वेशन आ गई, सही है। तो दोनों को आपने डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक, नेक्स्ट है। अब एक काम करें, सब हेडिंग डालें, लिखें एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी v1। तो पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूं, v1, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, एक v1 निकालना है और एक v2 निकालना है, मैं v1 निकालूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, प्लीज मुझे बताएंगे इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, m1 इंटू u1 माइनस v1, m2 इंटू v2 माइनस u2, ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अभी जो बनाई वो क्या थी, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, दो इक्वेशन हैं, चेक कर लें, यही है इक्वेशन, तो दो इक्वेशन यहां पे लिख लें। ठीक है, तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ v1 एंड v2। देखो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम है, मुझे मेरे पेपर में m1 m2 दिया होगा, u1 u2 दिया होगा, मेरे को v1 एंड v2 निकालना है, और मेरे पास दो इक्वेशन हैं ऑलरेडी, इन दो इक्वेशन से v1 v2 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखें। मैं यहाँ से काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ से v1 निकालना है ना, तो मैं यहाँ से v2 निकालता हूँ, v2 क्या आएगा, u1 प्लस v1 माइनस u2, और इस v2 को मैं यहां पुट करने वाला हूं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर v2 को पुट करने वाला हूं। ठीक, तो मेरे पास क्या बनेगा, m1 इंटू u1 माइनस v1, m2 इंटू v2 की जगह आएगा u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ v2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है यहाँ तक, क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो कैसे। तो इसमें m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस v1 माइनस 2 u2, और इस पूरे को मैं ओपन करने जा रहा हूँ, m1 u1 m1 v1 m2 u1 m2 v1 माइनस 2 m2 U2, ओपन कर दिया। ठीक है यहां तक, ठीक ऐसे ही है ना, जैसे ओपन कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है इसमें V1, तो V1 वाली टर्म को एक तरफ रखते हैं, तो कॉमन आ जाएगा M1 प्लस M2, और इधर से क्या बचा, M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2, पूरी टर्म एक तरफ और V1 वाली टर्म्स एक तरफ, रीअरेंज कर दिया, V1 को निकालना है तो V1 कॉमन निकाल के एक टर्म, बाकी टर्म एक तरफ,
सही। ठीक है आता। इसमें से V1 की वैल्यू निकालते हैं, इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, इसमें से U1 कॉमन आ रहा है, तो M1 माइनस M2, U1 कॉमन आ गया डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, इसके नीचे भी आएगा 2 × M2 × U2 बाय M1 प्लस M2, ये आपके पास V1 का एक्सप्रेशन आ गया, ये आ गया V1, आपको V1 निकालना था, V1 की वैल्यू आ गई। सही, P1 की वैल्यू क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं V1 की जगह V2, वापस चलते हैं, मतलब मैं वापस चलता हूँ, आपको तो नया लिखना पड़ेगा, फिर से हेडिंग डालो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी V2, लिखो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी V2, फिर से ये इक्वेशन लिखो 1 और 3, फिर से लिखो, ठीक है फिर से लिखो ये क्वेश्चंस, तो मेरे पास ऑप्शन है कॉपी पेस्ट करने का, आपके पास नहीं है, अब फिर से लिखो तो एक्सप्रेशन फॉर V2, लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम क्योंकि हमें V2 निकालना है, तो हम इसमें V1 की वैल्यू को निकालते हैं, V1 इज U2 प्लस V2 माइनस U1, और इस V1 की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में V1 की वैल्यू को पुट करते हैं। देखें ही बात है, वो है इतना बड़ा, ये फिर से ठीक है, सिंपलीफाई कर रहे हैं और तो क्या है, जैसे मर्जी कर लो कोई फर्क नहीं। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो M1 × U1 माइनस V1 की जगह U2 प्लस V2 माइनस U1 इज इक्वल टू M2 × V2 माइनस U2, ये रहा वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक, तो ये क्योंकि साइन माइनस लगा हुआ है बीच में, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, M1 × U1 माइनस U2 माइनस V2 प्लस U1 इज इक्वल टू M2 × V2 माइनस U2, तो यानी कि M1 यहाँ से U1 कंबाइन कर ले, 2U1 माइनस U2 माइनस V2 इज M2 V2 माइनस U2। अब एक काम करें, मल्टीप्लाई कर दें, इसे ओपन कर दें, 2 M1 U1 माइनस M1 U2 माइनस M1 V2 इज M2 V2 माइनस M2 U2।
ठीक, तो नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, ठीक, तो इसमें हमने क्या निकालना है, वी टू निकालना है। तो वी टू एक तरफ, एम वन प्लस एम टू और बाकी टर्म्स एक तरफ, टू एम वन यू वन माइनस एम वन यू टू प्लस एम टू यू टू, उसको इधर ले आया मैं। अब क्योंकि मेरे को वी टू निकालना है तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या, यू टू, तो क्या बचेगा, एम टू माइनस एम वन इंटू यू टू प्लस टू एम वन यू वन और डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वी टू का। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि जब कोई न्यूमेरिकल आएगा इतनी कैलकुलेशन बचा देते हैं, सीधा वी वन वी टू निकलेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मैं याद नहीं करवाता, बट इसमें तो याद करना अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कैलकुलेट, देखो ना इतने बड़ी वी वन वी टू कौन साइमल्टेनियस सॉल्व करता बैठे करेगा, सीधा वी वन वी टू आएंगे आंसर आएगा। आज मैं यही करवाऊंगा आपको, तो समझ में आ रहा है कि काम आसान हुआ है, काम मुश्किल नहीं हुआ। मुश्किल ये है कि कई लोग कहते हैं फॉर्मूले देखने में एक जैसे हैं, भूल तो नहीं जाऊंगा, कि कर लेंगे याद, हो जाएंगे याद, हो गए याद, हो गए। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है फॉर्मूलाज में, बहुत दिनों बाद, जब हम 2 महीने बाद इसको जब देखेंगे तो कभी कभी बंदा भूल जाता है कि इसको कैसे करना था। मैं कोई शॉर्टकट बताता हूँ जब मैंने याद किया हुआ फॉर्मूला को याद करने का, आपको इसमें भी शॉर्टकट है, देख लो ध्यान से, देख लो आप, याद कर लो फॉर्मूला इतने। ठीक है, तो ये लो, देखो ऐसे मैंने ऐसे किया हुआ है, वी वन वी टू निकालना है, मेरे को ये पता है कि यहाँ पर भी दो टर्म्स आएंगी और यहाँ पर भी दो टर्म्स आएंगी, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि डिनोमिनेटर में, सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर में एम वन प्लस एम टू, 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 राइट, ये तो सही है, चलो आधे तो आधा तो याद हो गया। नेक्स्ट वी वन का फॉर्मूला के लिए मैंने ऐसे याद किया, ध्यान से देखना, अगर ये वी वन है, वन है तो यहां पर स्टार्ट विद एम वन, अगर ये वन है तो ये वन है, ठीक, तो ऑब्वियसली फिर नीचे तो पीछे तो एम टू ही आएगा। अगर ये पहला वन है तो ये वन है, लास्ट ये भी देखना यहां पर भी यू वन आएगा, ध्यान से देखना, वन वन वन। अब क्योंकि यहां पे यू वन आ गया तो यहां पर यू टू आएगा, यहां पर यू टू आएगा और यहां पे यू टू आएगा तो टू इंटू, क्योंकि यहां पे टू आ गया तो यहां पर एम टू आएगा, ये और ये सेम होते हैं, टू टू एंड टू, ठीक है, वन है वन है वन है, यू टू है तो एम टू है, फिर लगा के दिखाता हूँ, वी टू है स्टार्ट विद एम टू, टू है तो टू है, फिर यहाँ पर भी यू टू है, टू टू टू, और यहाँ पे यू वन है तो टू इंटू एम वन है। जैसे भी याद करो, इन फॉर्मूलाज को लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में और याद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कैसे भी याद करो।